हर वर्ष नवरात्रि में शुक्रवार के दिन माता का खजाना वितरण किया जाता है और विशेष रूप से कोरोना काल के 3 वर्ष बाद ये खजाना वितरण इस बार फिर से किया गया है। भक्तों में भारी मात्रा में उत्साह है। दूर दूर से इटावा से कन्नौज से कई प्रदेशों से भक्त आ रहे हैं और माता का खजाना प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल 3 बजे से ही यहाँ पर पंक्ति कतार भक्तों की चालू हो गई थी। भक्त यहाँ पर बैठे हुए थे माता का दरबार खुलने का इंतजार करते हैं कब माता का दरबार खुले और कब हमारे घर में खजाना जाए और माता हमारे घर में बरकत लाए। लगभग कितने भक्तों का आगमन होता है आज के दिन? इसमें लगभग 80,000 से 1,00,000 भक्तों का आगमन होता है। प्रातःकाल 8 बजे से हम लोग आरती के बाद खजाना बांटना चालू करते हैं और शाम को 5 बजे तक वितरण होता रहता है। भक्त आते रहते हैं, खजाना प्राप्त करते रहते हैं और अपने माता से भर्ती लगाते रहते हैं। आज के दिन भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि 3 वर्ष बाद ये महत्वपूर्ण खजाना वितरण इस बार खुला है, तो आइए और अपने भाग्योदय को आमंत्रित करिए, माता के सामने अर्जी लगाइए, इस अवसर को ना खोइए और माता का खजाना प्राप्त करके अपने भाग्य का उदय करिए। क्या चला दिया भाई।